Hey students, welcome to ATP Star. So students, today we are going to learn about arithmetic progression. तो arithmetic progression आज हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं. So बहुत ही easy सा ये हमारा topic है. सिर्फ आपको क्या करना है, कुछ formulas यहाँ पे learn रखने हैं, right? कुछ formulas मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? और एक सीरीज, एक आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स में जैसे हम यहाँ पे एक सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है? कोई भी हमारे पास में एक सीरीज हो सकती है, लाइक सिक्वेंस. जैसे कि अगर आपने देखा हो, कोई भी अगर हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं डेली लाइफ में. जैसे बात करें हम यहाँ पे एक साड़ी, ठीक है? साड़ी जो होती है या फिर कोई दुपट्टा अगर हम देखें तो उस पर डिजाइंस बनी होती है ना. फ्लावर के बाद में एक लीफ होगी, फिर दूसरा फ्लावर होगा, फिर लीफ होगी, फिर फ्लावर होगा. तो ऐसे डिजाइंस वहां पे बने होते हैं, तो एक पैटर्न फिक्स होता है कि इसके बाद मेरा ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, राइट? इस तरह से पैटर्न फिक्स होता है. इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी हमारे पास में कई सारे एग्जांपल्स में आपको नजर आएगा कि पैटर्न होता है. जैसे अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर्स की, ठीक है? तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से. सो 1 के बाद क्या आया? 2. 2 के बाद क्या आएगा? 3. 3 के बाद क्या आएगा? 4. 4 के बाद क्या आएगा? 5. तो इस तरह से ये हमारे पास में एक सिक्वेंस बन गया कि इसके बाद ये तो अप टू इनफाइनाइट, ठीक है? तो यहाँ पे कितना भी आगे तक आप जा सकते हैं. इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे ऑड नंबर्स की बात करूं मैं, तो ऑड नंबर्स में हमारे पास स्टार्ट कहां से होंगे? देखो तो 1, 3, 5, 7, तो यहाँ पे फिक्स हो गया कि 1 के बाद 3 आएगा. मतलब आपको 2 को स्किप करना है, फिर 3, फिर आप 4 को स्किप करो, फिर 5, फिर 6 को स्किप करो, फिर 7, फिर 8 को स्किप करो, 9. तो इस तरह से आपके ऑड नंबर्स आते जाएंगे. तो ये मेरे पास में एक सिक्वेंस हो गया. इसी तरह से बात करें हम यहाँ पे किसकी, इवन नंबर्स की, तो इवन नंबर्स में भी ऐसे ही होगा 2, 4, 6, 8, तो ऑटोमेटिकली आप आगे के नंबर्स बता पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंस हमारे पास में आ रहा है, ठीक है? किसका डिफरेंस आ रहा है? जैसे कि अगर 1 के बाद 3 मेरा आ रहा है ऑड नंबर्स में, सो 3 - 1 करेंगे, कितना डिफरेंस आया? 2 का डिफरेंस आ गया, राइट? तो इस तरह से 2, 2, 2 का डिफरेंस होता है हमारा किसमें, ऑड नंबर्स में. इवन नंबर्स में भी 2, 2, 2 का डिफरेंस होता है. तो यहाँ पे हमारे पास में ये एक क्या बन गई, यहाँ पे एक सिक्वेंस बन गई है, ठीक है? तो यहाँ पे हम इन्हीं का यूज करेंगे. और यहाँ पे ये जो प्रोग्रेशन है ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगी. सो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसका हम यूज करके हमारी जो nth टर्म होंगी, ठीक है, कोई भी टर्म, जैसे मेरे को अगर इस जो मैंने सीक्वेंस आपको बताई, सीरीज बताई, इसकी मुझे 15th टर्म चाहिए कि 15th टर्म पे मेरा कौन सा नंबर आएगा. सो इस तरह से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, है ना? या फिर मुझे 15 टर्म्स का सम चाहिए तो वो भी मैं यहाँ से फाइंड कर पाऊंगी. ओके, सो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे पढ़ना है हमें, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना? इस चैप्टर में क्या है मैंने आपको थोड़ा सा बताया यहाँ पे. ओके, सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर मैनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न सच एज द पेटल्स ऑफ सनफ्लावर, द होल्स ऑफ हनीकॉम, द ग्रेन्स ऑफ अ मेज कॉर्ब, द स्पाइरल्स ऑन पाइनएप्पल and on a pipe corn etc. We see patterns of geometric figure on clothes, pictures and posters. तो आपको यहाँ पे बहुत सारे examples देखने को मिलेंगे pattern से related. जैसे अगर honeycomb की बात करें तो एक hole के बाद इधर होल, फिर इधर होल, फिर इधर होल, इधर होल, तो एक पैटर्न फिक्स होता है कि ऐसे 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 यहाँ पे हमारे पास में होल्स बने हुए हैं. या फिर जैसे कोई भी फ्लावर है तो फ्लावर्स की पैटर्न्स जो होती है वो भी फिक्स होती है, है ना? एक पैटर्न होता है उनका कि हाँ वो इस पैटर्न में यहाँ पे रहेंगी, इस तरह से एडजस्ट रहेंगी, ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे पोस्टर्स में, है ना? अगर पिक्चर्स, अगर आपने ज्योमेट्रिक फिगर्स देखे हो तो उनमें भी हमारे पास पैटर्न्स होते हैं, राइट? सो इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस वन ऑफ दीज पैटर्न्स इन विच सक्सेडिंग टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स. We shall also see how to find their nth term and the sum of n consecutive terms and use this knowledge in solving some daily life problems. तो क्या पढ़ना है हमें? ऐसे ही कुछ patterns हमें यहाँ पे पढ़ने हैं जो कि कैसे होंगे, हमारे succeeding होंगे, मतलब जैसे आगे बढ़ते हुए या फिर decreasing, ठीक है? जैसे कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से, या फिर जैसे किसी number से start कर दिया, है ना? जैसे 8 से start कर दिया, 8 के बाद 6 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 0, फिर माइनस में चला जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास में यहाँ पे क्या होंगे, कुछ पैटर्न्स होंगे मैथ्स में, तो जिनके लिए हम nth टर्म, मतलब कोई भी टर्म फाइंड करना सीखेंगे, या फिर कोई भी जैसे n हमारे पास पर्टिकुलर हमारे पास टर्म्स हो गई, उनका सम फाइंड करना हम सीखेंगे. सो उसके लिए आपको क्या करने होंगे, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी पहले. सो फर्स्ट हम यहाँ पे समझेंगे कि सिक्वेंस क्या होता है, ठीक है? सो द नंबर
patterns or arrangement of numbers according to definite rule or a set of rules is called a sequence. तो यहाँ पे कोई भी pattern है जिसका एक fixed कोई मतलब fixed एक कोई rule हो, ठीक है, तो वो हमारे पास में एक सीक्वेंस हो जाएगी मैथ्स में, ठीक है, एक सीक्वेंस हो जाएगा, मतलब मैथ्स की भी नहीं किसी की भी बात करें हम, ठीक है. सो प्रोग्रेशन क्या होगा, दो सीक्वेंस हुज टर्म्स फॉलो सर्टेन पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन. तो यहां पे ऐसी सीक्वेंस जिनका एक फिक्स्ड पैटर्न हो जाए, एक फिक्स्ड पैटर्न हो जाए, वो हमारे पास में एक प्रोग्रेशन हो जाएगा, ठीक है. तो अब ये हम जनरली प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, बात करेंगे अब किसकी, अर्थमैटिक जो प्रोग्रेशन है वो क्या होता है. तो उसके लिए पर्टिकुलर हमारे पास में एक फिक्स्ड पैटर्न होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया वो डिफरेंस वाला जो पैटर्न है वही हमारा अर्थमैटिक प्रोग्रेशन में काम में आने वाला है, राइट. सो अर्थमैटिक प्रोग्रेशन क्या होगा हमारे पास में, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमैटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम. तो यहां जो अर्थमैटिक प्रोग्रेशन मेरे पास में है वो क्या होता है कि ऐसी सीक्वेंस, मतलब कोई भी नंबर्स मेरे पास में ऐसे सीक्वेंस में लिखे हुए हो कि यहां पे जो हमारे पास में कोई भी टर्म है, क्या बोला है, कोई भी टर्म हो और उसके पीछे वाली जो टर्म है वो हम देखें, तो वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, पूरी सीक्वेंस में कोई भी टर्म्स आप चूज करें तो जो डिफरेंस है वो मेरे पास में सेम आना चाहिए. तो ऐसा मेरे पास में अगर आ जाता है तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे. जैसे कि मैं यहां पे बात करूं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. सो यहां पे मेरे पास में ये मैंने एक सीक्वेंस लिख दी है. अब आप यहां कोई भी नंबर चूज कीजिए, जैसे रैंडमली मैंने यहां पे चूज कर लिया है क्या 10. अब इसके प्रीवियस टर्म देखो तो इसके प्रीवियस टर्म क्या है मेरे पास में 8. So, मैं इनका डिफरेंस जब देखूंगी तो क्या आएगा 10 - 8 = 2. सो ये डिफरेंस मेरा 2 आ रहा है, तो कोई भी टर्म का मैं डिफरेंस देखूं 2 टर्म्स का मेरे पास में 2 ही आएगा, ठीक है. सो 14 और 12 का देख लो तो इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो भी मेरे पास 2 आएगा, इन दोनों को करो तो भी 2 आएगा, इन दोनों को करो तो भी 2 आएगा, इन्हें करो तो भी 2 आएगा. सो यहाँ पे कोई भी आप टर्म लो और उसके प्रीवियस टर्म में से, मतलब कोई भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म के साथ में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको डिफरेंस सेम मिलेगा. सो ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है ये क्या हो जाएगी, मेरी एपी हो जाएगी. सो अर्थमैटिक प्रोग्रेशन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे शॉर्ट में, एपी कहेंगे, राइट. सो द डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस. तो ये जो डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे ये 2 जो आया है मेरा, ये 2 क्या है, कॉमन डिफरेंस है, जिसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट. If it can be positive, negative or zero. ये हमारे पास में positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है और इसकी value zero भी हो सकती है. Zero कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे कोई sequence लिख दिया 3, 3, 3, 3, 3, 3. तो हमें पता चल गया, ये fixed pattern हो गया कि हाँ हमारा जो है हर time 3 ही repeat होगा. So यहाँ पे 3, 3, 3, 3, 3 आ गया. So अब इन दोनों terms के बीच में अगर difference हम देखें तो क्या आएगा, zero आएगा. तो ये भी मेरी एक AP होगी, right? So let us denote the first term of an AP by A1. अगर हमारे पास कोई AP है, कोई arithmetic progression है, तो यहाँ पे AP का जो first term होगा, उसे हम A1 से represent कर देंगे, ठीक है? Second term को हम A2 से represent कर देंगे, इसी तरह से third term को हम A3 से, fourth term को A4 से, A5 से, fifth को, इस तरह से अगर nth term मेरे पास में है, तो उसको किससे represent करेंगे? A से represent करेंगे, and the common difference by D. And common difference किससे represent होगा? D से represent होगा. Then the AP becomes. तो AP हमारे पास कुछ इस तरह से show होगी. तो generally अगर आपको show करना है कोई AP को, तो आप इस तरह से show कर सकते हैं. A1, A2, A3 and A4, A5 and so on up to AN. Okay? So A2 minus A1, देखो जो हमारी A2 term है, उसके previous term के साथ में इसका हम difference देखें, तो क्या आएगा हमारे पास में? जो भी आएगा वो इक्वल होगा A3 माइनस A2 के, फिर वो इक्वल होगा A4 माइनस A3 के, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, तो लास्ट टर्म क्या है हमारे पास? AN. तो AN से जस्ट पहले कौन सी टर्म आएगी? AN माइनस 1. सो यहां से AN माइनस AN माइनस 1 वाली जो टर्म होगी, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में क्या होगा? D. तो इन सारे जो भी टर्म्स है, इन सबका डिफरेंस जो होगा, हर 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो होगा हमारे पास में D.
ठीक है। अब आपको देखो यहाँ ये नहीं करना है कि आप ए वन माइनस ए टू कर दो, तो अगर आप ऐसे करोगे और कहीं आपने कर दिया क्या ए फोर माइनस ए थ्री, तो आपको ऑर्डर जो है वो हर जगह सेम लेना है। यहाँ तो आपने पहले वाली टर्म ले ली फिर बाद वाली ले ली, नहीं आपको सब जगह सेम लेना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हमेशा कोई भी टर्म अगर आप ले रहे हैं तो उसके पहले वाली टर्म लो, ठीक है। जैसे ए थ्री है तो ए थ्री को किसमें से सबट्रैक्ट, मतलब ए थ्री को ए थ्री के साथ किसको लेंगे हम, ए टू को लेंगे, ओके। तो ये हमारे पास हो गया क्या कॉमन डिफरेंस, और ये फर्स्ट टर्म होती है एंड ये एन हमारी लास्ट टर्म, हम इसे बोल देते हैं। तो इसके लिए हम और यहाँ पे समझेंगे कि किस टर्म को क्या कहते हैं और कैसे फाइंड की जाती है, ओके। सो जनरल टर्म्स यहाँ पे क्या होंगी हमारे पास में, केपी में ए प्लस ए सॉरी ए ए प्लस डी देन ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी रिप्रेजेंट्स एन अर्थमैटिक प्रोग्रेशन वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो जनरल फॉर्म यहाँ पे क्या होगी, अगर कोई एपी के लिए जैसे मान लो मेरे पास में ए और डी अवेलेबल है, ए मतलब फर्स्ट टर्म मेरे पास में अवेलेबल है, जैसे मैंने बोल दिया फर्स्ट टर्म टू है और डी मेरे पास भी यहाँ पे कितना है थ्री है, राइट। तो ए और डी मुझे मिल गया, तो मैं क्या करूंगी इसके अंदर यहाँ पे ये जो आपको जनरल फॉर्म नजर आ रही है इसमें ए और डी की वैल्यू पुट करते जाऊंगी तो मुझे एक एपी फॉर्म हो जाएगी, है ना, एक एपी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। सो यहाँ पे अगर मुझे ए वन लिखना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है तो आप क्या करेंगे ए, ठीक है। अगर मुझे सेकंड टर्म लिखनी है तो आप क्या करेंगे ए प्लस डी कर देंगे। अगर मुझे यहाँ पे क्या करनी है, थर्ड टर्म लिखनी है तो मैं क्या करूंगी ए प्लस टू डी करूंगी। अगर मुझे यहाँ फोर्थ टर्म लिखनी है तो मैं क्या करूंगी ए प्लस थ्री डी कर दूंगी। सो इस तरह से हम यहाँ पे बहुत सारी आगे टर्म्स निकाल सकते हैं, राइट। सो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी, देन इट्स nth टर्म इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मेरे पास में अगर फोर है तो मैं यहाँ क्या यूज करी उसे जस्ट वन लेस, ठीक है। सो फोर में से वन सबट्रैक्ट किया तो थ्री आया। सो यहाँ हमने जनरली क्या लिख दिया है ए एन वाली अगर कोई भी टर्म आपको यहाँ फाइंड करनी है सो हमें यहाँ पे क्या करना होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये जो फॉर्मूला मेरे पास में है ये आपको लर्न रखना है अच्छे से, बहुत काम का है ये, और आपको यहाँ पे इसे ध्यान से समझ लेना है कि कौन सी टर्म क्या है। ए एन हमारी कोई भी टर्म अगर हमने मैंने बोल दिया फिफ्थ टर्म फाइंड करो तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से फाइव हो जाएगी। ए क्या है हमारे पास में कोई भी जो ए पी है हमारे पास में उसकी फर्स्ट टर्म, एंड एन तो मैंने आपको बता ही दिया। डी क्या होगा हमारे पास में यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। सो जैसे मैंने कोई ए पी यहाँ पे ले लिया है, ये वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन, राइट। तो ये मेरी ए पी है कोई, ओके। सो देखो यहाँ पे अगर ये मेरी ए पी है सो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, चेक करो फर्स्ट टर्म ये रहा। सो फर्स्ट टर्म हो जाएगा मेरे पास में वन, एंड सेकंड टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास में सेकंड टर्म ए टू। तो देखो ए वन इज इक्वल टू वन आ गया, ठीक है। तो वो हमारा होता है किसके ए के इक्वल, ए टू क्या हो जाएगा मेरा ए प्लस डी, यही लिखा है हमने। तो ए तो हमारा है वन, एंड यहां से जो डी है वो कैसे हम फाइंड करेंगे, सो डी को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा ए टू माइनस ए वन कर दो, जरूरी नहीं ए टू माइनस ए वन करो, आप कर सकते हैं ए थ्री माइनस ए टू भी कर सकते हैं। तो कितना मिलेगा मुझे थ्री माइनस वन करेंगे कितना आएगा टू आएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डी फाइंड कर लिया। तो कोई ए पी अगर गिवन है तो उसके लिए आप ए ए वन मतलब ए वन फाइंड कर सकते हैं, ए टू फाइंड कर सकते हैं, ए थ्री फाइंड कर सकते हैं। तो ए टू फाइंड करेंगे कैसे, वन प्लस टू करो कितना आ गया थ्री आ गया। सो देखो ये हमारा ए टू थ्री ही आ रहा है, तो देखो यहाँ प्रूफ भी हो गया, राइट। तो आप अगर कोई ए पी आपको गिवन है तो उसके लिए ए और डी भी फाइंड कर सकते हैं, कोई टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, एंड अगर आपको ए और डी की वैल्यू अवेलेबल है तो आप यहां से इसमें वैल्यू पुट करके ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ये सब भी फाइंड कर सकते हैं ए और डी की वैल्यू अगर अवेलेबल हो तो, राइट। सो आपको ये समझ आया होगा कि ये जो हम है कैसे जहाँ पे कोई ए पी जनरेट करेंगे, कोई ए पी बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास nth टर्म ऑफ एन ए पी फ्रॉम द एंड। देखो अभी तो हमने बात की किसकी,
यहाँ से स्टार्टिंग से बात कर रहे थे, अभी जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया था तो मैंने आपको लिख दिया 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, अब मान लो ये मेरे पास है कहाँ तक, 50 तक, कहाँ तक है 50 तक, यहाँ तक है ठीक है। अब मेरे पास में ये जो AP लिखी हुई है ठीक है, 50 तक इसमें टर्म्स है राइट। अब यहाँ पे क्या बोला है, nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड, तो जो nth टर्म है हमारी मतलब कोई भी, जैसे मान लो इस AP की मुझे 10th टर्म फाइंड करनी है राइट, तो मैं 10th टर्म जो फाइंड करती हूँ वो कहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो वो हमारी 10th टर्म हो जाती है राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी AP में आपसे पूछूं कि आप लास्ट से एंड से 10th टर्म मुझे बताओ, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगी, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास में देखो थोड़ी सी चीज़ है जो हमें समझनी पड़ेगी, एक फॉर्मूला है, या फिर आप ऐसे थोड़ा सा अगर समझें तो आप डायरेक्ट भी कर पाएंगे ओके। सो इफ ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP हैविंग m टर्म्स, देन द nth टर्म फ्रॉम द एंड इज m-n+1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर पूरी जो हमारे पास इफ देखो कोई भी AP है और उसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, कितनी टर्म्स है टोटल, m टर्म्स है, यहाँ लिखा हुआ है हैविंग m टर्म्स, जैसे इसके अंदर मान लो मेरे पास में अगर कितनी टर्म्स है 25 टर्म्स है ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई राइट। एंड मुझे क्या करना है, nth टर्म फाइंड करनी है कहाँ से, एंड से, तो एंड से जो nth टर्म है मेरी ठीक है, तो n टर्म हमारी मतलब मान लो मैंने बोला एंड से 10th वाली टर्म फाइंड करो, सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी राइट। अब जो AP वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास में, जो ये फॉर्मूला है n = a + n-1 × d, इस फॉर्मूला में जो n की वैल्यू होती है वो हम स्टार्टिंग से देख करके रखते हैं, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम ये वाली टर्म को क्या लेंगे, वो जो n की जगह जो हमारे पास वैल्यू वो वहां पे पुट करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में 25 - 10 + 1, सो कितना आ जाएगा ये मेरा 15 + 1 मतलब 16। इसका मतलब एंड से अगर हम यहाँ पे टेंथ टर्म बोल रहे हैं तो वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी हमारे पास, 16th टर्म होगी ओके। सो देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे मेरे पास में लिखा है यहाँ पे क्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15, ये मेरे पास में कोई AP है ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पे कि ये जो AP है इसमें आपको लास्ट से जो मेरी थर्ड टर्म है वो आपको बतानी है, तो देखो ये छोटी सी मेरी AP है इसमें तो हम इजीली बता पाएंगे ठीक है। सो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा A1 है ना फर्स्ट टर्म, ये 2, ये 3, ये 4 ठीक है, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8, मतलब इसमें टोटल कितनी टर्म्स हो गई, 8 टर्म्स मेरे पास में हो गई राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, लास्ट से थर्ड टर्म बतानी है, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से बताएं, सो देखो n इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में 3 हो गया और n इज इक्वल टू कितना हो गया 8, सो यहाँ से इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो m - n + 1 तो 8 - 3 + 1 कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब अगर आपको एंड से थर्ड टर्म देखनी है तो आप कौन सी टर्म लीजिए स्टार्टिंग से 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये वाली टर्म मेरी आ गई, तो आपको ये और भी अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये फॉर्मूला वर्क करता है राइट। तो देखो यहाँ पे अगर ऐसे बहुत लंबी जोड़ी AP आ जाती है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। सो nth टर्म फ्रॉम द एंड कितनी हो जाएगी हमारे पास में, अगर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं और यहाँ पे ये वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो आप n की जगह जो an है, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें n की जगह हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है, क्या ये वाली वैल्यू, तो जैसे ही n की जगह ये वैल्यू हमने पुट की तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, देखो a + m - n + 1 - 1 × d = कितना हो जाएगा, देखो ये +1 और -1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ m - n बचेगा। सो सिंपली आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना है ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी टर्म पूछी जाती है एंड से, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, a + m - n × d,
तो आपको ध्यान रखना है m और n हमारे पास में यहाँ पे क्या है, तो m और n क्या है हमारे पास में, m हमारे पास में है इस AP में टोटल टर्म्स, ठीक है, और n क्या है एंड सी जो टर्म हमसे पूछी गई है वो, ठीक है, तो कौन सी टर्म, जैसे टेंथ एंड से टेंथ टर्म, एंड से इलेवेंथ टर्म, एंड से फिफ्थ टर्म, तो वो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज ध्यान रखनी है, बस इसमें वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू मिल जाएगी जो भी टर्म आपको फाइंड करनी है उसके लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल, देखो अब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, एपी के बारे में। फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 मतलब सो ऑन, राइट, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। आपको इसके लिए ये जो एपी यहां पर बनी हुई है, ये एपी जो फॉर्म की हुई है, इसके लिए आपको फर्स्ट टर्म एंड जो कॉमन डिफरेंस है डी वो फाइंड करना है। सो कैसे हम यहां पे फाइंड करेंगे, देखो क्या करेंगे, इसमें आपको देखना होगा पहले ये फर्स्ट टर्म हो गई ए वन, ये सेकेंड टर्म हो गई ए टू, थर्ड टर्म हो गई ए थ्री, ये हो गई ए फोर। सो देखो ए वन हमारे पास क्या होता है, ए, तो देखो जो ए वन है वही हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास में यहाँ पे क्या, 3/2। अब बात करते हैं हम डी की, सो डी को कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, आप चाहें तो ए थ्री माइनस ए टू कर लो या फिर ए टू माइनस ए वन कर लो। सो देखो यहाँ हम ए टू माइनस ए वन करेंगे, क्या करेंगे, ए टू माइनस ए वन, ये वन है, ओके, सो ए टू की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 1/2, और ए वन की जो वैल्यू वो कितनी है, 3/2, सो -3/2, सो यहाँ से क्या डिफरेंस आएगा मेरे पास में, 2 एज इट इज, 1 -3, सो कितना आ गई वैल्यू यहाँ पे, माइनस का 2/2, सो कैंसिल करेंगे कितना आएगा, माइनस का 1, सो यहाँ से डी की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, माइनस का 1, इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा मेरे पास में कितना, -1, एंड फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास में, 3/2। तो अगर कोई एपी आपको गिवन है तो उसके लिए आप फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, और अगर आपसे कोई टर्म आगे पूछी जाती कि मान लो यहाँ पे टेंथ टर्म बताओ, तो आप वो ए एन वाला फॉर्मूला यूज करके वो एन जो टेंथ टर्म है वो भी आप फाइंड कर सकते थे, ओके, सो उससे रिलेटेड भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, डोंट वरी। राइट, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एपी फॉर्म करनी है, तो कितने टर्म्स आपको लिखनी है, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 4 टर्म्स लिख दीजिए और फिर डैश डैश लगा दीजिए, तो आपकी एपी यहाँ पे रेडी है, ओके, सो राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोस। तो यहाँ आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है, तो बस आपको एपी फॉर्म करनी है, तो मैंने जनरल फॉर्म बताई थी, क्या होती है जनरल फॉर्म हमारे पास में, ए वन होता है हमारा किसके इक्वल, ए के, और ए टू इक्वल होता है ए प्लस डी के, ए थ्री इक्वल होता है मेरे पास में ए प्लस टू डी के, ए फोर इक्वल होता है मेरे पास में ए प्लस थ्री डी के, राइट, तो बस इसमें आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है इनमें वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे ए वन की वैल्यू कितनी है 10, डी की वैल्यू कितनी है 10, तो बस वो हम पुट करते जाएंगे, तो ए की वैल्यू 10 होगी, सो ए वन की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ए टू की वैल्यू ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10, सो वैल्यू कितनी आई मेरे पास में यहाँ पे 20, सो हमें यहाँ वैल्यू मिल गई 20 ए टू की। अब ए थ्री कितना है ए प्लस टू डी, सो 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10, सो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 30 यहाँ पे हो गया, राइट। नेक्स्ट है ए प्लस थ्री डी, सो 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा डी, कितना है हमारे पास में 10, सो 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40, सो यहाँ पे मेरे पास में जो एपी है वो फॉर्म हो गई क्या 10 20 30 40 एंड सो ऑन। 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए बोला गया था, हमने कर ली, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर फाइंड कर सकते हैं। सो यहां से ए वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, देखो ए वन इज इक्वल टू कितना है ए, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, तो ए वन की वैल्यू कितनी हो गई -2। अब ए टू की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में, क्या लिखा है ए प्लस डी,
तो a प्लस डी लिखा है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 2, प्लस d की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, यहाँ देखो d की वैल्यू है 0, सो यहाँ 0 पुट कर देंगे तो a2 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 2। अगेन a3 की वैल्यू देखो, तो a a प्लस 2d लिखा है, ठीक है, तो a प्लस 2d करेंगे, तो a की वैल्यू माइनस 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो यहां से वैल्यू आ गई मेरे पास में माइनस का 2, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। एंड a4 कितना हो जाएगा, a4 हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 3d, मतलब a प्लस 3d लिखा है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 0, राइट, सो अगेन माइनस का 2। तो जो ap हमारी अप फॉर्म हुई है उसमें सारी टर्म्स कैसी हैं, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 एंड सो ऑन। सो यहां पे इस ap में हमें टर्म्स मिल गई माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 करके, राइट। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। अगर कोई आपको यहाँ पे ए बी फॉर्म करने के लिए बोला जाता है और ए और डी अवेलेबल हो तो आप कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ द ए पी। सो अब देखो यहाँ ये ए पी गिवन है, अब मुझे इसकी टेंथ टर्म फाइंड करनी है। सो देखो फॉर्मूला हमारे पास में ई की है, उस फॉर्मूला से ही हम क्या कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे वो a प्लस 2d वो भी हमारा कहाँ से आया, जैसे हमने किया था अभी क्या, a1 इज इक्वल टू a, ठीक है, a2 इज इक्वल टू a प्लस d, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो ये जो है मेरे पास में ये कहाँ से आया, इसका जनरल फॉर्म तो यही है, तो ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं वो इसी फॉर्मूला से लिख रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसी फॉर्मूला से तो ये चीज़ लिख रहे हैं। तो ये एक ही फॉर्मूला हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन में यूज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो फाइंड द टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म हमें फाइंड करनी है, इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो मेरे पास में कितनी आ गई, 10 आ गई, राइट। अब मुझे टेंथ टर्म फाइंड करनी है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला चूज करूंगी, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, ये वाला, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 10, a और d की वैल्यू भी हमें पता करनी है। सो a क्या होता है हमारे पास, a होता है हमारे पास में फर्स्ट टर्म, सो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2, राइट। अब d फाइंड कर लेते हैं, तो d कितना होगा, a2 माइनस a1 कर लो, अगर ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, सो देखो या तो a3 माइनस a2 कर लो या a2 माइनस a1 कर लो, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसे a2 माइनस a1, सो a2 माइनस a1, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 हो गया हमारे पास में 5, ओके। सो d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 5, a की वैल्यू आ गई 2, तो हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, टेंथ टर्म। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, सो यहाँ n की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है मेरे पास में यहाँ पे कितनी 2, प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई d है हमारे पास में कितना 5, तो बस आपको a 10 यहाँ फाइंड करना है, सो a 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करो 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, सो a 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 45, सो टेंथ टर्म कितनी आ गई हमारे पास 47, सो टेंथ टर्म हमने यहाँ फाइंड कर ली कितनी 47। तो इसी तरह से टेंथ टर्म क्या, आप यहाँ 15 टर्म 20 टर्म आप कोई सी भी जो टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास में सिर्फ ए और डी अवेलेबल हो। सो ए और डी हमारे पास में अवेलेबल नहीं थे, तो इस जो ए पी है इस ए पी से हमने यहाँ पे लिख लिए ए और डी और इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके फाइंड कर लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में डिटरमाइन द ए पी हूज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। अब यहाँ क्या बोला गया है कि जो ए पी है ना वो हमें यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है, मतलब एक एपी आपको फॉर्म करनी है। तो एक एपी को फॉर्म करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पे ए की, ठीक है, एंड डी की। अगर ये दो चीजें मेरे पास में है तो मैं यहाँ एक एपी फॉर्म कर सकती हूँ, राइट। अगर मेरे पास ए की वैल्यू है और डी की वैल्यू है तो मैं कोई भी एपी यहाँ पे बना सकती हूँ, राइट। सो यहाँ मुझे क्या क्या वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, पहले हम वो देखेंगे। सो क्या क्या अवेलेबल है, थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। तो थर्ड टर्म यहाँ हमें कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो थर्ड टर्म, तो a3 को हम कैसा लिखते हैं, a3 को हम कैसा लिख सकते हैं, a प्लस
यहाँ पे देखो n की वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस 1 करेंगे, क्या करेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी। तो हमने क्या किया, ये जो ए पी हमसे पूछी गई है, हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। कौन सा वाला फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, राइट। अब इसके अंदर जो ए और डी, मतलब जो हमारे पास फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है, वो हमने अज्यूम कर लिया क्या ए और डी होगा, राइट। अब जब कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमारे पास में है, और अब एन जो है, एन जो हमारे पास क्या होती है टर्म की, कौन सी टर्म, तो थ्री हमारे पास यहाँ टर्म की वैल्यू होगी। तो देखो यहाँ हम ए थ्री लिख सकते हैं, मतलब एन की जगह थ्री पुट कर सकते हैं, तो यहाँ भी कर सकते हैं। सो ए थ्री कितना आ गया मेरा, ए प्लस टू डी आ गया। इसी तरह से मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे ए सेवन लिख सकती हूँ, कितना ए प्लस 6d, है ना, 7 माइनस 1 करो 6 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, सिंपल सा वर्क करना है, क्या यहाँ पे थर्ड टर्म हमें गिवन है कितनी 5, ठीक है। सो यहाँ पे a3 की जगह क्या आ जाएगा मेरा 5, सो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2d, एंड a7 मतलब 7th टर्म कितनी है मेरे पास में 9, सो 9 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 6d। सो ये हो गई मेरी इक्वेशन 1 एंड ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन बन गई मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास 2 इक्वेशन थे, और जो अननोन हमारे पास क्वांटिटी है वो भी कितनी है 2, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से ए और डी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो मैं क्या करने वाली हूँ, ए को जो इक्वेशन 1 है उसको 2 में से सब्ट्रैक्ट, मतलब 1 और 2 का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इस तरह से, राइट। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा मेरा ए से ए, यहाँ कितना बचेगा 5 माइनस 9, यहाँ कितना बचेगा मेरे पास में 2d माइनस का 6d, सो कितना आएगा ये मेरे पास में माइनस का 4, यहाँ कितना आएगा माइनस का 4d, सो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, सो d इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, राइट। सो d की वैल्यू 1 मिल गई। अब आप क्या करें, ये d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो आपको a मिल जाएगा। सो 5 इज इक्वल टू a प्लस 2d हमारे पास में है, राइट। तो d की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम, तो यहां से 5 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, सो 5 इज इक्वल टू a प्लस 2, सो a इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में यहाँ पे कितना 3, सो a और d की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है यहाँ से 3 एंड यहाँ पे 1, सो a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 1 आ गई, राइट। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a1 फाइंड कर सकते हैं, a2 फाइंड कर सकते हैं, a3 फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, a1 इज इक्वल टू होगा a, सो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3। अब देखो a2 कितना होगा a प्लस डी, सो a की वैल्यू कितनी है 3 एंड d की वैल्यू 1, सो 3 प्लस 1 इंटू मतलब 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आ गया, राइट। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 4 मिल गई। इसी तरह से a3 की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस 2d, सो a प्लस 2d करेंगे, राइट। तो कितना आ जाएगा a की वैल्यू 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 3 कितना आ गया हमारे पास में 5 आ गया। इसी तरह से a4 फाइंड कर लेंगे, तो a प्लस 3d आएगा, सो 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे, a4 जो टर्म है वो आ गई 6, राइट। तो बस 4 टर्म्स आपको एक एपी में फाइंड करनी होती है, ठीक है, इससे ज्यादा आप फाइंड नहीं करेंगे, राइट। सो यहाँ से एपी हमारी फॉर्म हो गई क्या, देखो तो एपी हमारी आ गई क्या 3, 4, 5, 6 and ... मतलब सो ऑन। सो ये बन गई मेरी यहाँ पे क्या एक एपी, ओके। तो यहाँ पे हमें एपी फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो हमने बस सिंपल सा वर्क किया है क्या, जो कंडीशंस हमारे पास मतलब जो वैल्यूज हमारे पास में अवेलेबल थी बस वो हमने यहाँ पे लिखी एंड 2 इक्वेशंस हमारी यहाँ बनी, उन्हें हमने सॉल्व किया, ए और डी की वैल्यू फाइंड की। एंड जब ए और डी की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, तो उसके बाद में हमने यहाँ क्या किया है, इसमें a1, a2, a3, a4 में वैल्यूज पुट की और एक एपी यहाँ पे हमने फॉर्म कर ली, राइट। इससे यहाँ पे हमारे पास देखो, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23। तो यहाँ पे जो हमारे पास में ये जो नंबर्स गिवन है ये क्या है, एक एपी है, ठीक है।
5, 11, 17, 23, राइट? ये एक एपी यहाँ पे फॉर्म की हुई है, लेकिन इस एपी में आपको चेक करना है कि ये 301 यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये हमारा कोई वैल्यू होगी क्या, मतलब इसकी, इस एपी की कोई टर्म होगी क्या? तो वो हम कैसे चेक करेंगे, देखो, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो ये हमारी, अगर मान लो, हम पहले मान लेते हैं कि ये कोई टर्म है, ठीक है, कोई टर्म है, हो सकता है कोई भी, एंड हमें पता नहीं है कि ये 15th टर्म है, कि 50 टर्म है, कि या फिर हमारे पास में ये 35th टर्म है, ठीक है, हमें नहीं पता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं क्या कि ये nth टर्म है, राइट? तो अगर ये मेरी nth टर्म है, तो हम इसे लिख सकते हैं an is equal to 301, ठीक है, लिख सकते हैं, so, यहाँ पे हम लिख लेंगे इसे क्या, an is equal to 301, ठीक है, तो an टर्म मैंने ये ले ली है। अब हमारे पास में an टर्म ये है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, an is equal to a plus n minus 1 into d, तो यहाँ पे मेरे पास में ना n की वैल्यू है, ना a की वैल्यू है, ना d की वैल्यू है, बट हमें यहाँ पे एक ap जरूर गिवन है, तो जब एक ap गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, a और d को फाइंड कर सकते हैं, ओके? सो यहाँ से a और d हम पहले फाइंड कर लेंगे, फिर इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, ठीक है? अब इस फॉर्मूला में हम क्यों पुट करेंगे, देखो, तो वो हम क्यों पुट कर रहे हैं, बिकॉज जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? तो जैसे ही एन की वैल्यू हमें मिली, तो अगर एन की वैल्यू हमें यहाँ पे कोई इंटीजर मिल जाता है, ठीक है, कोई इंटीजर मिल जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास इस एपी की ये कोई टर्म है, लेकिन अगर कोई इंटीजर नहीं मिलता, मान लो कोई फ्रैक्शन मिल जाती है, ठीक है, तो हमारे पास ये जो नंबर है 301, ये इस एपी की कोई टर्म नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है? सो इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। नाउ A1 देख लेते, मतलब A देख लेते, A की क्या वैल्यू होगी, तो फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो A की वैल्यू हो गई मेरे पास में कितनी, यहाँ पे 5। अब D देखते हैं, तो D की वैल्यू कितनी होगी, A2 माइनस A1, सो देखो A2 माइनस A1 करेंगे, अब A2 कितना है 11, और A1 कितना है, मतलब A कितना है 5, सो 11 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, सो D की वैल्यू मिल गई मुझे 6, तो दोनों वैल्यूज मिल गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए, सो एन की वैल्यू कितनी है 301 और ए की वैल्यू है 5 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी की वैल्यू है यहाँ पे 6, ओके? अब इसे सॉल्व करेंगे हम, सो इस 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 301 माइनस का 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 6, सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 296, यही आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। नाउ अब ये जो 6 से इधर मल्टीप्लीकेशन में है, कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में, तो अगर हम इसे इधर ट्रांसफर करते हैं तो डिवीजन में आ जाएगा, राइट? सो यहां से ये हमारा कितना हो गया, डिवाइड बाय 6 हो गया। अब इसको डिवाइड कर लो, देखो डिवाइड करने पे कितना आता है ये मेरे पास में, सो ये हमारा हो जाएगा कितना, देखो पहले से हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, सो ये हमारा 3 टाइम्स हो गया, फिर हो जाएगा 1, 4 एंड 8। अब 148 मेरा यहाँ पे क्या 3 से डिविजिबल है? नो, सो 148 यहाँ मेरा 3 से डिविजिबल नहीं है, सो यहाँ से n माइनस 1, देखो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी 148, सो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 148 अपॉन 3 माइनस का 1, सो n इज इक्वल टू 3 एंड 148 माइनस का 3, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 145 अपॉन 3। क्या अब इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या ये डिविजिबल है? नो, डिवाइड ही नहीं हो रहा है। क्या आएगा यहाँ पे, देखो 14 को करेंगे पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 25। क्या 25 3 से डिविजिबल होगा? नहीं, 8 टाइम्स होगा, फिर 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। तो जब हमें एन की ऐसी वैल्यू मिल जाती है, तो इसका मतलब ये जो 301 जो हमें वैल्यू गिवन है, ये इस एपी की कोई टर्म नहीं है, ठीक है? सो आप यहां क्या लिख देंगे, नो, कि कोई टर्म नहीं है, राइट? नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहां पे देखो क्वेश्चन, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे पूछा गया है कि कितने मेरे नंबर्स ऐसे होंगे जो यहाँ पे इस
3 से डिविजिबल होंगे. और कैसे नंबर्स? ओनली 2-डिजिट नंबर्स. ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कर सकते हैं हम. देखो क्या पूछा गया है कि कितनी टर्म्स होंगी, मतलब कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो मेरे यहाँ पे 3 से डिविजिबल होंगे, और कैसे नंबर्स? 2-डिजिट नंबर्स. अब आपको ध्यान रखना है क्या कि जो मेरे 2-डिजिट नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं. सो कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे 2-डिजिट नंबर? 10 से, राइट? 1, 2, 3, फिर 9, 9 के बाद जस्ट हमारा जो 10 होता है वो 2-डिजिट होता है. सो 10 हमारा 2-डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट. ठीक है, अब 2-डिजिट नंबर मतलब बिगेस्ट 2-डिजिट नंबर हमारा कौन सा होगा? सो देखो 99 के बाद आता है हमारा 100, तो 100 हो जाता है 3-डिजिट. इसका मतलब हाईएस्ट जो 2-डिजिट नंबर होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट, वो कितना होगा हमारा? 99 होगा, राइट? तो कितना आया? 99 आया. लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जो क्या हो हमारे यहाँ पे, वो हमारे डिविजिबल हो. किससे? 3 से. सो देखो अब 10 तो डिविजिबल है नहीं हमारा 3 से. क्या 3 की टेबल में 10 हमारा आता है? नो. फिर 10 के बाद में कौन सा नंबर आएगा? 11. सो क्या 11 आता है हमारा, मतलब 11 क्या 3 से डिविजिबल है? नो. फिर नेक्स्ट क्या आएगा? 12. क्या 12 मेरा 3 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स है. तो इस एपी की फर्स्ट टर्म बन जाएगी मेरी क्या? 12. तो यहां हम क्या कर रहे हैं? एक एपी फॉर्म कर रहे हैं. ओके, एक सीरीज बना रहे हैं. जो ये बोला गया है इसी के लिए सीरीज बना रहे हैं कि कौन से नंबर्स होंगे. चलो चेक कर लेते हैं, है ना. 12 हमें फर्स्ट टर्म मिल गई. अब इसके आगे नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा? सो चेक करो, सोचो कौन सा होगा. तो यहाँ पे 12 के बाद आता है हमारा 13. सो क्या 13 डिविजिबल होता है 3 से? नो. क्या 14 होगा? नो. अब इसके बाद में आया हमारा 15. तो क्या 15 3 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स है. सो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 15 लिख देंगे. नेक्स्ट, अब इसके बाद में कौन सा नंबर आता है हमारा? 16. क्या 16 3 से डिविजिबल है? नहीं है. क्या 17 है? नो. क्या 18 है? यस, 18 हमारा नंबर है 3 से डिविजिबल. सो यहाँ पे हम 18 लिख देंगे. अब आगे हमारे पास ये नंबर्स कहाँ तक हम ऐसे निकालते रहेंगे? नहीं निकाल सकते ना, कितना टाइम लग जाएगा हमें इस क्वेश्चन को करने में. सो हम क्या करेंगे? अब हम देख लेते हैं क्या ये जो हमारे पास आखिरी जो है, मतलब लास्ट जो हमारे पास 2-डिजिट नंबर होगा वो कौन सा होगा? 99. सो जो 99 है हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं क्या 99 हमारा 3 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स है. 99 को डिवाइड करके देखो 3 से, हो रहा है डिवाइड. तो यहाँ पे 99 जो है वो हमारा क्या होगा? डिवाइड होगा. सो अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी है वो एक एपी फॉर्म हो गई है. आप चाहे तो चेक कर सकते हैं. देखो कैसे चेक करते हैं हम कि एपी फॉर्म हो रही है नहीं हो रही. आप क्या करेंगे? एक टर्म लेंगे और उसके जो प्रीवियस वाली टर्म के साथ में डिफरेंस देखेंगे. सो 15 माइनस 12 करो कितना आएगा? 3. 18 माइनस 15 करो कितना आएगा? 3. सो यहाँ पे जितनी भी टर्म्स मिलेगी उन सबका हमारे पास में एक कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब जो डिफरेंस है वो सेम होगा. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इस AP के लिए? A की वैल्यू और D की वैल्यू लिख सकते हैं. सो A की वैल्यू हो जाएगी 12 एंड D की वैल्यू हो जाएगी A2 माइनस A1, दैट इज 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3. सो यहाँ पे मुझे A और D की वैल्यू मिल गई है. तो जब A और D की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमें यहाँ पे क्या पूछा है? देखो हाउ मेनी 2-डिजिट नंबर्स, नंबर आपसे पूछा है कि एपी, ये जो हमने एपी फॉर्म की है इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं, क्योंकि सारी टर्म्स तो 3 से डिविजिबल है, उसी के लिए तो हमने एपी फॉर्म किया है. तो इस पूरी एपी में कितनी टर्म्स होगी? तो देखो ये जो हमारे पास 99 लिखा है ये हमारी लास्ट टर्म है. इस लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? ए एन से या फिर एल से, इन दोनों में से किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं. तो यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो हमें क्या करना है यहाँ पे? इस एन की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स होगी हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे इस एन की वैल्यू को फाइंड करके. ठीक है, सो ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में वो भी लिख लेते हैं. ए एन की वैल्यू है हमारे पास में 99, बिकॉज लास्ट टर्म कितनी है हमारी? 99, राइट. सो वैल्यू पुट करेंगे 99 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 12 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. डी हमारे पास कितना हो गया देखो यहां से? 3. ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. सो 99 माइनस का 12 एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3.
इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 9 माइनस 2 हो जाएगा 7, एंड यहाँ आ जाएगा हमारा कितना 8. सो 87 वैल्यू आ गई. अब देखो यहाँ से n माइनस 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो हम क्या करेंगे 3 से इसको डिवाइड कर देंगे. अब इसको डिवाइड करो, कितने टाइम्स डिवाइड होगा 3 से, 2 टाइम्स एंड 2 उधर गया 29, कितना आया 29. सो 29 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 प्लस 1, सो n इज इक्वल टू 30. सो यहाँ से कितनी वैल्यूज आ गई है मेरी, 30 वैल्यूज आ गई, मतलब 30 नंबर आ गए. n की वैल्यू 30 आ गई, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे 32 डिजिट नंबर्स ऐसे होंगे जो डिविजिबल होंगे किससे, 3 से. तो हमें यही वैल्यू पूछी गई थी और वो वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, कितनी 30. तो बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे. फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी. ठीक है, तो क्या पूछा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. मतलब अगर कोई एपी आपके यहाँ पे फॉर्म की हुई है, जैसे कि ये एपी बनी हुई है, राइट. अब ये एपी अगर मेरे पास में है तो इसमें आपको लास्ट से 11th टर्म बतानी है. ठीक है, तो ये ऐसा मैं आपको बता चुकी हूँ, फॉर्मूला भी हमने लिखा है. ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे. तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है आपको अच्छे से मालूम है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, ए एम माइनस एन प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, ए प्लस एम प्लस सॉरी क्या आएगा माइनस, माइनस एन इंटू डी. ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है. ठीक है, अब हमारे पास में कौन सी लास्ट से 11th टर्म फाइंड करनी है और एपी हमें गिवन है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स हमारे पास में अवेलेबल है. सो फर्स्ट थिंग, हमारे पास में क्या है, एन अवेलेबल है. सो एन कितना है मेरे पास में, 11. अब एन अवेलेबल है लेकिन ए नहीं है, एम नहीं है, डी नहीं है, तो कैसे फाइंड करें. तो देखो एपी से हम ए और डी की वैल्यू लिख सकते हैं, तो ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 10 एंड डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टू माइनस ए वन करेंगे, सो 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा, माइनस का 3. सो हमें एन मिल गया, ए मिल गया और डी भी मिल गया. अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, अब हमें चाहिए ये एम. अब इस एम को कैसे फाइंड करेंगे, सो आपको पता होना चाहिए कि ये एम मेरे पास में क्या है. सो एम मेरे पास में क्या है, एम है हमारे पास इस पूरी एपी में टोटल टर्म्स. तो टोटल टर्म्स हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, देखो तो उसके लिए हमें यहाँ पे करना होगा क्या, ए हमारे पास कितना है, ए इज इक्वल टू 1 है, डी इज इक्वल टू माइनस 3 है, लास्ट वाली टर्म हमें गिवन है एल, एल इज इक्वल टू कितना, माइनस का 62. ठीक है, लास्ट टर्म गिवन है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे टोटल टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, मतलब एम की वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. सो हम यहाँ फॉर्मूला एन के फॉर्म में न लिख करके एम की फॉर्म में लिखेंगे. सो ए एम इज इक्वल टू, इसको आप एल की जगह एम भी कह सकते हैं, सो ए एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, यही होगा. तो एम की वैल्यू हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर लेते हैं. सो लास्ट टर्म क्या है मेरे पास में, माइनस का 62, कितना है, माइनस का 62 इज इक्वल टू 1, सॉरी कितना है, ए हमारे पास 10 है ना, ए 10 है, सो 10 प्लस एम माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास में, माइनस का 3, सो डी कितना हो जाएगा, माइनस का 3. अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, राइट. सो माइनस का 62 ये इधर आएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, एम माइनस 1 इंटू माइनस का 3, ओके. सो ये कितना हो गया, माइनस का 72, और एम माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 72 अपॉन माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से हम यहाँ पे 72 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स मेरा डिवाइड होगा पहले, फिर 1 इधर जाएगा एंड 4. सो m माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 24 आ गया. सो m इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास में, 24 प्लस 1. सो m की वैल्यू कितनी मिल गई, 25. तो जब हमें m की वैल्यू 25 मिल गई है तो हम यहाँ इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं. सो m इज इक्वल टू 25 हम यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है, तो हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, लास्ट से nth टर्म फाइंड करनी है, राइट. सो यहाँ से हमारे पास में ये कौन सी टर्म हो जाएगी, देखो ए हमारे पास हो जाएगा 10 प्लस एम की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस एन की वैल्यू कितनी है, 11 मल्टीप्लाई बाई डी, डी कितना है, माइनस का 3. सो यहाँ से 10
प्लस 25 माइनस 11 करो कितना आएगा 4 मतलब 14 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 राइट सो 10 इसको मल्टीप्लाई कर लो सो ये हो जाएगा माइनस का 3 4 जा 12 ये 1 ये हो गया 42 ओके माइनस का 42 सबट्रैक्ट कर लो तो कितना आएगा माइनस का 32 So, यहां से लास्ट से अगर हम किसी एपी में 11th टर्म देख रहे हैं इस एपी में 11th टर्म देख रहे हैं तो वो कितनी मिलेगी मुझे माइनस का 32 मिलेगी करेक्ट नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पे देखो अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये एक और फॉर्मूला है अब तक हमने क्या करा अब तक हमने कोई भी एपी के लिए एन टर्म्स फाइंड करने के लिए ए एन वाला फॉर्मूला देखा राइट तो ए एन वाला जो फॉर्मूला था उसकी हेल्प से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते थे लेकिन अब जो फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं आप किसी भी एपी के लिए आप कितनी भी टर्म्स हो एन टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं जैसे मैंने पूछा कि आप किसी एपी के लिए उसकी फर्स्ट 10 टर्म्स का सम बताइए तो कैसे फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला की हेल्प से तो क्या है ये फॉर्मूला चलिए समझते हैं सो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होगा हमारे पास तो द सम एस एन किससे डिनोट करेंगे इस सम को हम एस एन से अगर कोई टर्म हम फाइंड कर रहे हैं तो हम उसको ए एन से डिनोट कर रहे थे मतलब ए वन ए टू ए थ्री ए एन यहां अगर हम सम लिख रहे हैं जैसे टू टर्म्स का सम लिखा तो क्या लिखूंगी एस टू फाइव टर्म्स का सम लिखा तो क्या लिखूंगी मैं एस फाइव ओके सो यहां से द सम एस एन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन बाय Sn is equal to n upon 2 bracket में 2a plus n minus 1 multiply by d ठीक है तो ये formula आपको अच्छे से यहाँ पे learn रखना है ठीक है तो star बना के से आप note कर लेंगे right तो कुछ ही formulas है यहाँ पे है ना तो वो आप learn रख सकते हैं इसीलिए कोई problem नहीं है second हमारे पास में यहाँ क्या है students देखो so second हमारे पास में यही formula है बस इसका फॉर्म चेंज हो गया है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l कर दिया है अब ये l क्या है मैंने आपको बताया था l हमारे पास में क्या है लास्ट वाली टर्म कोई ap अगर हमारे पास में है तो उसकी जो एंड वाली टर्म हमारी है वही हमारा यहाँ पे l है सो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d सो यहाँ पे जो an मैं बोलती हूँ वो an ही ये है तो ए एन हमारे पास में ए एन को हम क्या बोल सकते हैं एल बोल सकते हैं मैंने आपको बोला था दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट हम से कर सकते हैं सो यहाँ पे एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा तो इसकी जगह हमने एल पुट कर दिया राइट तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन गया क्या एस एन इज इक्वल टू एन प्लस टू ए प्लस एल मतलब अगर आपको कहीं पे लास्ट वाली टर्म गिवन हो और ए अवेलेबल हो पूछा जाए कि इतनी टर्म्स का एन टर्म्स का सम बताओ तो आप ये फॉर्मूला यूज करके इजीली बता सकते हैं सो ये दोनों फॉर्मूलाज हमारे यूज में आएंगे ठीक है तो कैसे यूज आएंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखेंगे ओके सो एग्जांपल है यहाँ मेरे पास फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 83 माइनस 2 सो ऑन ठीक है सो यहाँ पे हमें क्या करना है फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है राइट सो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई है 22 आ गई है अब हमारे पास में और क्या चीज अवेलेबल है पता नहीं हमें ये ही पता था तो हमने लिख लिया ठीक है अब आगे क्या करें हम अब यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं क्या फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे कोई भी अगर हमारे पास एपी है मतलब जैसे कोई भी अगर यहाँ पे टर्म के लिए पूछा जाता है कि जैसे 22 टर्म्स का सम बताइए तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे वही एस एन वाला सो एस एन Sn is equal to हो जाएगा n by 2 bracket में 2a plus n minus 1 into d and bracket close यही होता है अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 22 अब कौन कौन सी वैल्यू चाहिए हमें a और d भी चाहिए तो a और d कैसे फाइंड करेंगे इस ap की फॉर्म से a, मतलब ap की हेल्प से सो a is equal to कितना हो जाएगा फर्स्ट टर्म कितनी है 8 एंड d हमारा कितना हो जाएगा a2 minus a1 सो 3 minus 8 तो वैल्यू कितनी मिल गई माइनस का 5 ओके सो फर्स्ट टर्म हो गई 8 डी हो गया हमारा माइनस का 5 तो यही वैल्यूज हम यहां पे पुट कर लेते हैं सो एस 22 इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पे 22 अपॉन 2 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 22 माइनस का 1 एंड डी की वैल्यू है माइनस का 5 एंड ब्रैकेट क्लोज इसको सॉल्व करते हैं 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम
सो 11 यहां अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16, ओके, प्लस 22 माइनस का 1, यह हो जाएगा 20 का मतलब सॉरी 21 एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5. अब इससे सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, देखो 11 एंड 16 माइनस ये हो जाएगा हमारा, देखो प्लस माइनस माइनस होगा तो 5 1 5 5 2 10 तो कितना आ गया 105. अब इससे और सॉल्व करो तो कितना आएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस का कितना आएगा देखो 89 है ना. तो यहां से कितना आ गया हमारे पास में 105 में से 16 को सबट्रैक्ट कर दो सो कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा 89. अब इस 89 को माइनस के 89 को हम क्या करेंगे यहाँ पे इस 11 से क्या करें, यहाँ पे इस 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो मल्टीप्लाई करेंगे 11 9 जो हो जाएगा 99 एंड 9 यहाँ पे कैरी. अब 11 एट जा 88 88 प्लस 9 ठीक है. सो कितना हो गया ये हमारा 88 एंड प्लस का 9 सो 97 ठीक है. सो 979 माइनस का सो यहाँ पे इस 22 की वैल्यू कितनी मिल गई माइनस का 979 क्लियर. नाउ नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78. सो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, अब एपी आपको गिवन है और पूछा है कि कितनी टर्म्स का सम हमारे पास में यहाँ पे 78 होगा. सो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है और एन पूछा गया है. सो एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 78 एंड एन हमसे पूछा गया है. अब देखो हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, क्या एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू एंड 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यही फॉर्मूला यूज करेंगे. इसमें एस एन हमें पूछा गया मतलब एस एन गिवन है एन हमसे पूछा गया है. अब यहाँ पे a और d की वैल्यू हमारे पास नहीं है जो कि हम इस ap से लिखेंगे. सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 24 एंड d इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में कितना 21 माइनस 24. सो 21 माइनस का 24 कितना आएगा माइनस का 3. सो d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3. ओके ना अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो ये हमारे पास में d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, एस एन की वैल्यू है. अब n की वैल्यू हमें यहाँ पे सिंपली फाइंड करनी है. सो फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पे ओके. सो 78 इज इक्वल टू n अपॉन 2 2 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस n माइनस वन इंटू d कितना है हमारे पास माइनस का 3 ओके ब्रैकेट क्लोज. अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. तो देखो यहाँ पे ये 2 डिविजिबल में है डिवीजन में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. सो 78 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा एंड एज इट इज इससे मल्टीप्लाई कर लो 48 प्लस. अब आगे इसे हम यहाँ पे कर लेते हैं क्या सॉल्व. सो माइनस का 3 और प्लस का n मतलब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 n एंड प्लस का 3 आ जाएगा राइट. आगे देखो इसको हम सॉल्व करते हैं. सो ये हो जाएगा 16 एंड 156 राइट. यहाँ पे अंदर इसको करते हैं सॉल्व तो n 48 माइनस का 3 n एंड प्लस का 3 यही आएगा. इन दोनों को सॉल्व कर लो. सो 156 n ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास में 51 माइनस का 3 n. अब ये हमारे पास में यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी. कैसी एक बन जाएगी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है. कैसे बनेगी देखो अंदर मल्टीप्लाई करो अभी और. सो 156 इज इक्वल टू 51 एन एंड माइनस का 3 एन स्क्वायर. तो ये मुझे यहाँ पे मिल गया है ओके. अब देखो ये हमारा किससे यहाँ पे इसको कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो इस पूरी टर्म को मैं क्या करने वाली हूँ 3 से सॉरी माइनस 3 से कर लेते हैं डिवाइड ठीक है. सो माइनस 3 से मैं यहाँ पे डिवाइड करने वाली हूँ. तो जैसे ही माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस 3 यहाँ माइनस का 3 एंड यहाँ माइनस का 3 ठीक है. तो क्या आएगा डिवाइड करने पे यहाँ आ जाएगा मेरे पास में 52 माइनस का 52 यही आएगा. देखो 52 टाइम्स डिवाइड होगा. यहाँ कितना आएगा मेरे पास में ये हो जाएगा मेरा माइनस का 1 टाइम डिवाइड हुआ और फिर 21 सो कितना 17 एन और यहाँ हो जाएगा प्लस का 3 सॉरी प्लस का एन स्क्वायर.
क्लियर। अब आगे क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो हम एक तरफ ले लेते हैं इन सारी टर्म्स को, तो ये हो जाएगा मेरे पास में एन स्क्वायर माइनस का 17 एन प्लस का 52 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ क्या करें हम, इसके यहाँ पे कुछ हम मतलब इसके फैक्टर्स हमें करने हैं। सो 52 के फैक्टर्स हमें यहाँ पे करने होंगे, तो 52 के क्या फैक्टर्स करें हम देखो। सो 52 के फैक्टर्स कीजिए, 52 टू से करेंगे डिवाइड, सो ये हो जाएगा कितने टाइम्स, टू टाइम्स एंड 26, फिर हो जाएगा यहाँ से 13 एंड ये 13 से हमारे पास 1, सो कितना आ जाएगा, ये फैक्टर्स हो गए कितना 13 4s 52। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम फैक्टर्स 13 एंड 4, सो एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का कितना होगा देखो, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 13 एंड एंड माइनस का 4 एन प्लस 52 इज इक्वल टू 0। सो एन कॉमन लेंगे कितना बचेगा, एन माइनस का 13, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लेंगे कितना बचेगा, एन माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। सो एन माइनस 13 एंड एन माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो एन की वैल्यू 13 आ गई एंड एन की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। क्लियर। सो एन की वैल्यू 13 और एन की वैल्यू 4 के लिए हमें सम कितना मिलेगा, यहाँ पे 78 मिलेगा। ठीक है, सो एन की टू वैल्यूज आई है, एक तो 13 और एक 4। ठीक है, तो इन एन की टू वैल्यूज के लिए हमें सम कितना मिलेगा, 78। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमें क्या बोला है आपको, यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव 1000 इंटीजर्स का सम यहाँ पे चाहिए। सो फर्स्ट 1000 इंटीजर्स का सम अगर आपको चाहिए तो हमें पहले एक एपी फॉर्म करनी पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कैसे इंटीजर्स की बात की गई है, पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो देखो जीरो के इस तरफ तो हमारे सारे नेगेटिव आ जाएंगे, जीरो के इस तरफ पॉजिटिव आ जाएंगे। सो जीरो के जस्ट बाद फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, वन। वन के बाद में कौन सा होगा, टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव एंड सो ऑन, कहां तक, 1000 तक। कितने चाहिए, 1000, राइट। अब देखो ये 1000 हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स का सम चाहिए। सो देखो ये हमारे कैसे हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है, यही जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे, यही तो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि आप एन नेचुरल नंबर्स का सम बताइए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, एन, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एन प्लस वन अपॉन टू, ये यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसके लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। सो यहाँ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना है, 100। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्या इस फॉर्मूला से, तो ये तो ऑप्शनल है हमारे पास में, एक एडिशनल चीज हो गई, राइट। लेकिन हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, एस एन वाला जो हमारा फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू अपॉन, यहाँ पे देखो अब हम एक चीज यूज कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस एल वाला फॉर्मूला कर सकते हैं यूज। तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यू अवेलेबल है, इस एपी से हम ए की वैल्यू लिख सकते हैं 1, डी की वैल्यू लिख सकते हैं ए टू, डी की वैल्यू लिख सकते हैं ए टू माइनस ए वन। सो 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा, बट डी हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, एंड जो लास्ट टर्म है वो भी अवेलेबल है, कितनी, 1000। सो एल इज इक्वल टू 1000 और एन की जो वैल्यू है वो भी कितनी है मेरे पास में, 1000 है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो एस 1000 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2 एंड ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1 एंड एल की वैल्यू है 1000। ओके, सो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 1001, यही आएगा। अब ये हमारे पास में यहाँ पे क्या मिल गई, ये हमारे पास में यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाय 1001 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 5005 एंड ये 2 zeros आप यहाँ लगा देंगे, तो ये मुझे मिल गया SN, सम मिल गया 1000 इंटीजर्स का। देखो अब ये वैल्यू मैंने किससे फाइंड किया, इस फॉर्मूला से। आप चाहें तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कीजिए, इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 1000 पुट कीजिए। सो SN मतलब S 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000, n की जगह 1000 पुट करेंगे, 1000 प्लस 1 अपॉन 2, सो ये 1000 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 500।
सो 500 मल्टीप्लाई बाय 1001. सो अगेन हमें वैल्यू क्या मिल गई, यही मिल गई. तो आप जो दोनों फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स का सम या फिर नेचुरल नंबर्स का सम. तो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का सम पूछा जाए या फिर नेचुरल नंबर्स का सम पूछा जाए, फॉर्मूला आपको यही यूज करना है. दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास, देखो क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by an is equal to 3 plus 2n. Okay? तो यहां हमसे क्या पूछा गया है, देखो यहां बोला गया है कि find करना है आपको क्या, sum find करना है किसका, 24 terms का. So इसका मतलब n की value given है हमें यहाँ पे 24 terms का आपको यहाँ पे क्या करना है, sum फाइंड करना है. और उसके लिए nth टर्म आपको यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब ये आपको nth टर्म दे रखी है, an is equal to 3 plus 2n दे रखी है. मतलब अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएं तो आपको पूरी ap मिल जाएगी. जैसे कि मैंने यहाँ पे a की n की वैल्यू अगर 1 पुट की, सो a1 मुझे मिल जाएगा कितना, a1 is equal to 3 plus 2 multiplied by 1. सो कितना आएगा, 3 plus 2 is equal to 5. तो ये मुझे कितना मिल गया, A1 मिल गया कितना, 5. अब मुझे अगर A2 फाइंड करना है तो मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगी, सो मुझे A2 मिल जाएगा कितना, देखो 3 plus 2 multiply by 2, सो 3 multiply by 4, मतलब 3 plus 4, सो कितना आ गया, 7. तो ये मेरे को यहाँ कितना मिल गया, मुझे 7 मिल गया, right? अब मुझे A3 फाइंड करना है तो n की वैल्यू कितनी पुट करूंगी, 3. ओके, सो यहाँ से A3 की जो वैल्यू, मतलब हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 3 है. सो इसका मतलब यहाँ से A3 कितना मिल जाएगा, 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3. सो 3 प्लस 6 कितना आ गया, 9 यहाँ पे आ गया. सो इसी तरह से आप यहाँ पे लास्ट टर्म, देखो हमसे क्या पूछा गया है, 24 टर्म्स का सम हमें बताना है, ठीक है. सो हम यहाँ A24 भी फाइंड कर सकते हैं. तो A24 कितना होगा मेरे पास में, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 24, यही होगा n की वैल्यू 24 पुट करेंगे तो. सो 3 प्लस 48 हो जाएगा कितना मेरे पास में यहाँ पे, 51. तो ये मुझे मिल गया क्या, लास्ट वाली वैल्यू, राइट. सो हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पे s n चाहिए, मतलब s 24, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 24 टर्म्स का सम. सो s 24 हम यहाँ लिखेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे. सो Sn का क्या फॉर्मूला है, n अपॉन 2 होता है, राइट. सो n अपॉन 2 एंड ब्रैकेट में 2a, 2a प्लस n माइनस 1, इस तरह से आता है. लेकिन हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 एंड a प्लस l वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. आप चाहे जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. देखो एक क्वेश्चन को करने के यहाँ पे एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं, तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है वो मेथड यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चाहे वो फॉर्मूला यूज कर लो. तो यहाँ पे मैं a प्लस l वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ. सो देखो मुझे क्या चाहिए, s 24 चाहिए. सो n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 24 अपॉन 2, और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, देखो यहाँ पे 5, एंड l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो A24 कितना है हमारे पास में, या तो L बोल दो या फिर A24 L बोल दो या फिर A24 बोल दो. सो कितना हो जाएगा, 51. सो ये हमारे पास में हमने पुट कर दी वैल्यू. अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा 12 डिवाइड करने पे 12 मल्टीप्लाई बाय 56. सो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो कितना आएगा, देखो ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे इसको सॉल्व करेंगे. सो देखो तो ये हो जाएगा यहाँ से 12 6 72, सो 2 एंड 7, और ये यहाँ पे 60 60 और 7 67, ठीक है. सो 672 आया. एक बार और चेक कर लेते हैं, 12 6 72, 2 7 इधर गया एंड 12 5 60 एंड 60 और 7, राइट, करेक्ट है. सो यहाँ पे S 24 कितना आ गया मेरे पास में, 672. तो हमने 24 टर्म्स का सम फाइंड कर लिया. ओके, तो कर सकते हैं इजीली. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे आप क्वेश्चन को. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22
terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149. So, ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को. हमें यहाँ पे क्या करना होता है, देखो कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है. हो सकता है आपको यहाँ पे एक कोई भी एक फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है, जैसे इन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अब ये जो मेरे पास फॉर्मूला है, इसमें से आपको कोई भी वैल्यू दे करके कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है. एस एन वाला फॉर्मूला है वो है आपके पास अवेलेबल, तो उसमें से कोई भी वैल्यू गिवन होकर के कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है. तो आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू पूछी जाए आपके फॉर्मूलाज यही यूज होंगे, कोई डिफरेंट और कुछ नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूलाज को मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, कभी ए एन कभी एस एन, है ना. तो यही फॉर्मूलाज को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. तो इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन ए पी. आपको यहाँ पे सबसे पहले एस 22 फाइंड करना है. क्लियरली लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी. अब क्या दे रखा है आगे, Which D is equal to 7. क्या दे रखा है, D is equal to 7. And 22nd term is 149. सम नहीं दे रखा है. अब देखो ध्यान से देखो, 22 जो टर्म है हमारी, ठीक है, 22 जो हमारी टर्म है वो गिवन है. सो इसका मतलब क्या अवेलेबल है ये हमारे पास, A 22 is equal to कितना दे रखा है, 149. राइट, अब हमें जो जो गिवन था हमने लिख लिया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी गिवन हो वो लिख लेंगे. अब हमें क्या चाहिए, फाइंड क्या करना है वो देखो, S22 फाइंड करना है. अब S22 फाइंड करना है मतलब Sn वाला फॉर्मूला लगेगा, तो Sn इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, तो यहाँ पे Sn इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, देखो n अपॉन 2 और a प्लस l वाला ही हम फॉर्मूला लगाएंगे. वाई, बिकॉज देखो हमारे पास में A22 अवेलेबल है. क्या अवेलेबल है, A22 यहाँ पे अवेलेबल है, राइट. लेकिन अब A22 तो अवेलेबल है बट A नहीं है हमारे पास में, ठीक है. अब अगर देखो यहाँ पे अगर ये A22 अवेलेबल नहीं होता, मतलब देखो S22 फाइंड करना था और इसी की टर्म भी हमें, मतलब जो फाइंड करना हो, जो जिन टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है, ठीक है, और वही टर्म अगर हमारे पास में अवेलेबल हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. और अगर मेरे पास में A22 नहीं होता तो मैं यहाँ पे इसके पहले वाला फॉर्मूला यूज करती, क्या, n by 2 2a plus n minus 1 into d, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करती, राइट. सो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला भी यूज कर सकती हूँ एंड वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकती हूँ. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए. सो यहाँ पे मेरे पास में A22 is equal to 149 अवेलेबल है, ठीक है. अब देखो n मेरे पास में है कितना, 22, है ना. a मेरे पास में नहीं है, l मेरे पास में अवेलेबल है. कितना है l हमारे पास में, 149. तो मुझे क्या चाहिए, a चाहिए. अब a कैसे फाइंड करूंगी, सो ध्यान से देखेंगे. ये जो A22 वाला है इसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, a plus 21 into d is equal to 149. अब a plus करके मैंने इसे लिख दिया, तो यहाँ d की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 7. So d की वैल्यू हम यहाँ पे 7 पुट कर देंगे एंड ये इक्वल हो जाएगी 149 के. सो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा, 7 1 7 7 2 जा कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा यहाँ पे 147, ठीक है. सो ये 147 आ गया और इक्वल हो जाएगा 149 के. सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 149 माइनस 147. सो a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 2. सो a की वैल्यू मुझे यहाँ पे 2 मिल गई है. अब मैं इस फॉर्मूला में पुट कर सकती हूँ. ओके, सो यहाँ से s 22 हमारे पास हो जाएगा 2 एंड a कितना है हमारे पास में, 2 प्लस l कितना है, 149. सो अब आगे देखेंगे हम यहाँ पे s 22 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 22 को 2 से, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 11 टाइम्स. सो 11 मल्टीप्लाई बाय 151, ठीक है. 2 प्लस 149 कितना आएगा, 151. सो इसे सॉल्व कर लीजिए. सो 11 को 1 से हमने किया मल्टीप्लाई, तो 11 1 एंड 1 यहाँ पे कैरी. सो 11 5 जा 55, 55 एंड 1 कितना हो जाएगा, 56. सो 6 यहाँ, 5 यहाँ, 11 1 जा 11, 11 और 5 कितना हो गया, 16. सो यहाँ सम कितना आ गया मेरे पास में, S 22 जो है वो कितना आ गया है, 1661.
तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने 22 टर्म्स का सम फाइंड कर लिया. ओके, सो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, राइट. अब देखो ये जो हमारे पास में जो क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. जो भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको बताए हैं, हमने हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ कर दिए, SN से रिलेटेड हो, AN से रिलेटेड हो, तो इन फॉर्मूला से रिलेटेड मतलब AP से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अब आपको मिलता है तो आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. सिर्फ आपको क्या ध्यान रखने हैं, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये ध्यान रखने, AP को आपको अच्छे से समझ लेना है, A और D कैसे फाइंड किया जाता है, AN फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, SN फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.